Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का message किस energy में है, किसके लिए है, किसकी तरफ से है. ये एक short video होती है. अगर आप morning में देखेंगे तो ये एक guidance होगी और अगर end of the day देखेंगे तो ये एक आपका day reflection होगा. Message वही लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ आज की situation से relevant था, वरना ये सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं. तो लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे मैसेज ऑफ द डे प्लीज गाइड अस. आज का मैसेज क्या है? प्लीज गाइड अस माय स्पिरिट, माय एंजल्स, माय गॉड. प्लीज़ गाइड कीजिए कि आज मैसेज ऑफ द डे क्या है. ओके, ऑलराइट, फोर ऑफ वॉन्ड्स. Knight of Pentacles, Four of Wands, 11-11 card and Nine of Swords. Well, this is quite disturbing but हकीकत भी है. आप बहुत अरसे से किसी से apology या कोई इनिशिएटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रोलोंग ना हो, रिजॉल्व हो, यूनियन हो, खामोशी टूटे, चीज़ें सहल हों. लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अब ये चीज़ आपको डे टू डे डिस्टर्ब करती चली जा रही है. इनफैक्ट शायद आज की रात यानी आज सुबह जब आप उठे हैं तो आप काफ़ी डिस्टर्ब उठे बिकॉज आप अगली पार्टी या अगले पर्सन की तरफ से इतना ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग एटीट्यूड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई अपनी गलती होते हुए भी इतनी लंबी खामोशी इख्तियार करेगा, यानी इतना लंबा कर देगा, ड्रैग कर देगा मैटर को कि रिजॉल्व होते होते इतना टाइम लग जाए. आई कैन सी कि आप अब परेशान रहने लगे हैं. आप इनफैक्ट आज सुबह बहुत परेशान उठे हैं, डिस्टर्ब रहे हैं पूरी रात. नींद आई भी है लेकिन बहुत डिस्टर्ब आई है. कोई ख्वाब आया है जिसने आपको मज़ीद डिस्टर्ब किया है बिकॉज आप ऐसी चीज़ें इस पर्टिकुलर एनर्जी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे. ऑल्दो ये जो भी इंसान है जिसको ख़ास तौर पर आज आपको मैसेज ऑफ द डे की तरफ मतलब डाइवर्ट कर रहा है, आपके लिए सलाह ये होगी कि आप इतना ज़्यादा सोचना छोड़ दें. क्योंकि अगर किसी को अपनी गलती का एहसास नहीं है और कोई इंसान ख़ुद से इनिशिएटिव नहीं ले रहा यूनियन के लिए, सुलह के लिए, तो आप बिला वजह में उसके मुतालिक सोच सोच के अपने आप को ड्रेन ही कर रहे हैं. ऑल्दो मैं देख सकती हूँ कि ये वहाँ पर भी इसी तरह की एनर्जी है, लेकिन आप ज़रा शायद ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हैं. यस, वेटिंग का कार्ड आया है यहाँ पर. आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, शायद 9 मंथ्स हो गए हों, 4 मंथ्स हो गए हों, और आपको लग रहा हो कि जैसे इतनी भी ढिटाई अच्छी बात नहीं होती. और ये आज ज़्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आज आपने जिस तरह का ड्रीम देखा है, आज आप जिस तरह की एक डिस्टर्ब एनर्जी में उठे हैं, तो दिस इज़ समथिंग क्वाइट अपसेटिंग फॉर यू दैट हाउ कैन समवन बी सो स्टबर्न एंड सो ढीठ. ये जो भी इंसान है ये माफ़ी खुद भी मांगना चाहता है, ये एनर्जी मैं देख सकती हूँ. लेकिन या तो करेज की कमी है, एफर्ट की कमी है, फैक्ट्स की कमी है. ये माफ़ी भी मांगे तो ये माफ़ी नहीं मांग सकते. ये कोई इनिशिएटिव भी लें तो इनके पास अल्फाज की कमी है. इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आपके मूड को, जिस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये खुद भी सिमिलरली उतना ही परेशान है. लेकिन वे आउट कोई ढूंढ नहीं रहे कि किस तरीके से मामला सहल हो. तो आज का मैसेज ऑफ द डे, यस इट्स डिस्टर्बिंग
बट अगर मैं इसको एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड करूं तो आप लेट गो कर दीजिए सिचुएशन को, क्योंकि इसमें सिवाय आपके मेंटल हेल्थ के इफ़ेक्ट होने के और कुछ नहीं है। जो लोग कंसेक्यूटिवली मेरी रीडिंग्स डेली देखते हैं वो नोट कर रहे होंगे कि एक चैरियट का कार्ड और एक नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी एनर्जी में, पर्सन की एनर्जी में, हिडन एनर्जी में, किसी की मिसिंग करने की एनर्जी में कंजेकेटिवली। तो दैट मीन्स कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या आपकी आपकी आपके साथ जिसकी एनर्जी एसोसिएटेड है वो बहुत ज़्यादा सोच रही है और बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अपना ख्याल रखें, एन्जाइटी कम लें, और कम क्या लें बल्कि एन्जाइटी ले ही ना, क्योंकि अगर किसी ने जुड़ना होता है, माफ़ी मांगनी होती है, शर्मिंदा होता है कोई तो एफर्ट करता है। अगर किसी को ये खौफ हो कि मेरे पास से ये पर्सन छुट जाएगा, एक वैल्यूएबल एसेट छुट जाएगा, तो कोई इंसान नहीं चाहता। अभी लवर होता तो ऐसे लड़ पड़ के बेगैरती के आलम में सब माफ़ी मांग रहे होते, लेकिन ये कोई किसी और तरह की एनर्जी है जिसको मैं समझती हूँ कि सिर्फ ढिठाई के अलावा और कोई मकसद नहीं है। तो अपने आप को मत थकाइए, यूनियन एक्सपेक्टेड है, यूनियन ज़रूर होगा, लेकिन तभी होगा जब कोई ना कोई एफर्ट होगी, और आप इसको सोच सोच के बिला वजह में अपने आप को हलकान मत कीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ मैसेज ऑफ द डे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।